नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। 15,000 नागरिक एक साथ करेंगे राम भक्ति। मेरा भोला है भंडारी से प्रसिद्ध हुए रघुवंशी देंगे प्रस्तुति। रामनवमी पर्व का सबसे विशाल आयोजन आज होगा। इंदौर पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के द्वारा आयोजित भजन संध्या में 15,000 नागरिक एक साथ भगवान राम की भक्ति करेंगे। इस आयोजन में मेरा भोला है भंडारी से प्रसिद्ध हुए प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी प्रभु श्री राम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। राम नवमी के पर्व पर शहर का सबसे बड़ा और विशाल कार्यक्रम अभय खेल प्रशाल में आयोजित किया गया है। ये जानकारी आज यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने दी है। उन्होंने बताया कि गीता रामेश्वरम ट्रस्ट के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड और बस्ती से नागरिक अभय खेल प्रशाल में पहुंचेंगे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए नागरिकों को घर घर जाकर निमंत्रण दिया गया है। हर घर में आयोजन का आमंत्रण पत्र वितरित किया गया है। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में नागरिकों की बैठक लेकर ये संदेश उन तक पहुंचा दिया गया है कि रामनवमी के पर्व पर भगवान राम का जन्मोत्सव हम सभी एक साथ मिलकर मनाएंगे। पटेल ने बताया कि अभय खेल प्रशाल में 30 मार्च को आयोजित ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर रखी गई है। जो भी जल्दी आएगा वो आगे के स्थानों पर बैठेगा। इस मौके पर पूरे अभय प्रशाल को भगवान राम की भक्ति के आवरण से सजाया जाएगा। आयोजन स्थल पर नागरिकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। इस आयोजन में मेरा भोला है भंडारी प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी भाग लेंगे। ये पहला मौका है जब रघुवंशी के द्वारा इंदौर में इतने भव्य परिणाम पैमाने पर राम भक्ति के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 50 साल पहले मेरे परिवार ने राम मंदिर बनाया गया। 33 साल पहले हमने हनुमान मंदिर बनाया और करीब करीब 20 से 25 साल पहले शिव मंदिर बनाया और 15 साल या 20 साल पहले साईं मंदिर बनाया। ये तो हमने निजी हमारे गांव में बनाया और कई जगह छोटे मोटे जो बनवाए उसकी गिनती नहीं। तो धर्म की परिभाषा किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आस्था एक अलग चीज़ है, विश्वास एक अलग चीज़ है, राजनीतिक एक अलग चीज़ है। तो ये निश्चित ही रामनवमी का कार्यक्रम आज भी 2 साल पहले भी हुआ था, जिसको हमने पूरे शहर में वातावरण दिया, साईं मंदिर बनाया, स्थान चेंज कर दिया। तो धार्मिक कार्यक्रम तो हमेशा महीने में एक होता है हमारे यहाँ। हम उस पर आज रामनवमी में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ बाबा जी के सामने, वो मैं व्यक्तिगत प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, उसमें सारी बात हासिल करूँगा। निश्चित ही वहाँ पर भी अनुपयोगी में मुझे प्रॉब्लम आई थी, सब आपको मालूम ही है, शायद आपके कुछ मीडिया ने छापी भी है, उसने नीचे अपना छापी है, उसमें मैं डॉक्यूमेंट सही दी थी। तो मैं जिन लोगों ने भी ऐसा किया है और कर रहे हैं, मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ, कल रामनवमी है, कि उनको सद्बुद्धि दे कि कोई भी काम जो लीगल हो सकते हैं उसकी परमिशन दी जाए, कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी पार्टी करे। ये प्रजातंत्र की एक व्यवस्था और एक मानवीयता की भी व्यवस्था है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जय शंकर हर महादेव और रामनवमी की आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बड़े भाई ने आज यहाँ मुझे आप सबके सामने बुलाया है, कल प्रोग्राम है हमारा, भजन संध्या लेके आया हूँ सत्यनारायण पटेल भाई जी के सामने, और आप सबके सामने मैं कल यहाँ पे गाने गाऊँगा भजन भोलेनाथ जी के। और इंदौर सिटी में मामले में मतलब 7 साल से कंटिन्यू इंदौर ही आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि यहाँ हर एक कोने में सफाई है और जहाँ सफाई है वहीं हमारे देवी देवता भी वास करते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? चल रहा है और शिव अभिव्यक्ति जो है आपके माध्यम से सुनाई देती है। आज रामनवमी के मौके पर आप इंदौर आए हैं, मातोश्री अहिल्या देवी का ये नगरी है, देश का सबसे स्वच्छ शहर है। क्या आपको ऐसी बात इंदौर से अपेक्षित है, या आपको लगता है कि इंदौर ही हर मामले में नंबर वन है, तो क्या डिमांड हंसराज रघुवंशी की इंदौर से भी होगी? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जय शंकर हर महादेव और रामनवमी की आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे बड़े भाई ने आज यहाँ मुझे आप सबके सामने
बुलाया है, कल प्रोग्राम है हमारा, भजन संध्या लेके आया हूँ सत्यनारायण पटेल भाई जी के सामने, और आप सबके सामने मैं कल यहाँ पे गाने गाऊँगा भजन भोलेनाथ जी के। और इंदौर सिटी मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, अपने गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और यूट्यूब पे छोड़ता हूँ। मैं टीवी पे अभी तक किसी भी टीवी चैनल पे नहीं आया हूँ, और मेरे चाहने वालों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरे अपने खुद के 10 बिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। और बॉलीवुड की रही बात तो अभी मेरा एक मूवी में भी आ रहा है, अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही है ओ माई गॉड 2, तो उसमें मेरे टाइटल सॉन्ग है महादेव, और वो भी भोलेनाथ जी का है। तो परंतु मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मेरे गाने कहाँ रहे, मैं भोलेनाथ जी के गा रहा हूँ और मेरे चाहने वाले मेरे को प्यार दे रहे, बस इतना काफी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।